पहले हम देखें कि अगर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू से ज़्यादा का तो उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते, उसका डिटर्मिनेंट हमने उसको एक्सपेंड करके निकाला, ठीक है। उसके लिए हमने माइनर परफेक्ट की डेफिनेशन देखी थी। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स विच हेल्प इन देयर वैल्यूएशन, कि हमने मैट्रिक्स को एक्सपेंड नहीं करना, हमने प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है। प्रॉपर्टीज डिस्कस करते हैं। पहली प्रॉपर्टी है फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है, ठीक है, अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का और उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट का आंसर सेम होता है। इफ इन द स्क्वायर मैट्रिक्स ए टू रोज आर टू कॉलम्स आर इंटरचेंज्ड, डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज माइनस ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर किसी से भी कोई से टू रोज या कोई से टू कॉलम्स को आपस में चेंज किया जाए, इंटरचेंज किया जाए, तो जो रिजल्ट है रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट पर के साथ माइनस साइन लगाते हैं। इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज़ टू आइडेंटिकल रोज आर टू आइडेंटिकल कॉलम्स दैन डिटर्मिनेंट इक्वल है जीरो। अगर कोई से भी टू रोज या कॉलम्स बराबर आते हैं, आइडेंटिकल आते हैं, सेम आ जाए, तो डिटर्मिनेंट जीरो आ जाता है। हम उसे सॉल्व नहीं करते, हम डिटर्मिनेंट इक्वल जीरो लिख सकते हैं। ऑल एंट्रीज ऑफ अ रोज आर अ कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स आर जीरो, दैन डिटर्मिनेंट इक्वल है जीरो। अगर किसी भी रोज या कॉलम की तमाम एंट्री जीरो हो जाती है, तो डिटर्मिनेंट का आंसर क्या आ जाएगा, जीरो। इफ द एंट्रीज ऑफ अ रो और कॉलम इन अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए आर मल्टीप्लाइड बाय नंबर के बिलोंग्स टू आर, दैन डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज के टाइम्स ए डिटर्मिनेंट। अगर किसी भी रो या कॉलम को हम किसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, तो आंसर में डिटर्मिनेंट के साथ वो नंबर स्केलर मल्टीप्लाई होगा। इफ ईच एंट्री ऑफ अ रो ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ टू टर्म्स, देन इस डिटर्मिनेंट कैन बी रिटन एज सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स। अगर कोई एंट्री है जो टू टर्म्स के सम पर, उसमें टू टर्म्स का सम आ रहा है, तो जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट है उसमें हम इन एंट्रीज को ब्रेक कर सकते हैं कि इसमें टू एंट्रीज का सम है, ठीक है। एक डिटर्मिनेंट में फर्स्ट एंट्रीज लिख ली और दूसरा डिटर्मिनेंट प्लस उसमें सेकंड एंट्रीज लिख ली, सेकंड और थर्ड कॉलम्स दोनों में सेम रहेंगे। इफ टू ईच एंट्री ऑफ अ रो और ए कॉलम ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एडेड ए नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्री ऑफ एन अदर रो, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ द रिजल्टिंग मैट्रिक्स इज ए डिटर्मिनेंट, ठीक है। अगर हम एंट्रीज को एक दूसरे में प्लस या माइनस करें, तो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट पर कोई उसके बाद असर नहीं होगा, वो अनचेंज रहेगा। इफ अ मैट्रिक्स इज इन ट्रायंगुलर फॉर्म, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑन इट्स मेन डायगोनल। अगर आपका जो मैट्रिक्स है वो ट्रायंगुलर फॉर्म का है, तो जो रिजल्टिंग डिटर्मिनेंट है वो हमने कैसे निकालना है, जो मेन डायगोनल है उसकी एंट्रीज का प्रोडक्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हैं जो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने में यूज़ होंगे।